चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सम प्रॉब्लम रिलेटेड विद द इरेशनल नंबर्स। कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे रूट टू, सो दैट द रूट टू इज इरेशनल नंबर्स, है ना। तो इस तरीके के कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पहले कुछ चीज़ें हमको बातों का ध्यान देना पड़ेगा कि रेशनल नंबर्स क्या होती हैं, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, पी और क्यू में एक यानी वन के सिवाय कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। दूसरी चीज़ ये हमको याद रखनी पड़ेगी कि रेशनल नेवर बी इक्वल टू इरेशनल, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक। तो इरेशनल नंबर की बात करें तो ऐसी नंबर्स होती हैं जो क्या होती हैं, किस फॉर्म में होती हैं, विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो यहाँ से अगर एक चीज़ हम देखें, क्या देखें, एक थ्योरम देखें, इफ पी इज अ नंबर एंड पी इज डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, देन पी इज आल्सो डिविजिबल बाई ए। अच्छा, डिविजिबल का मतलब क्या होता है, जैसे हम ध्यान से देखें तो 12 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 × 2 × 3, यानी 12 इज डिविजिबल बाई 2, यानी उसका मतलब इसको अगर हम काटेंगे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से इसको भी इसी तरीके से बोला जाता है कि अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा कट जाएगा। तो यानी 2 और 3 इसके क्या हैं, फैक्टर हैं। कोई अगर कोई नंबर किसी से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये है कि वो उसका फैक्टर होगा। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए इज फैक्टर ऑफ पी, क्लियर, या P इज अ फैक्टर ऑफ A, दोनों बात सही है सिंपली। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या है हमारा। अच्छा, इसको और समझना चाहें, जैसे देखें कि 25 इज डिविजिबल बाई 125 इज डिविजिबल बाई 5 का स्क्वायर, 5 टू द स्क्वायर। तो अगर ये 25 से डिविजिबल है तो ध्यान से देखो 5 से भी डिविजिबल है, 5 से भी कट जाएगा, है ना। अगर इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा, लेकिन अगर यही 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 25 आएगा। डिविजिबल है, सॉरी रिमाइंडर नहीं, कोशेंट, सॉरी रिमाइंडर दोनों केस में 0 आएगा, कोशेंट यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 25। मतलब अगर ये 25 से डिविजिबल है, जिसका ये स्क्वायर है उससे भी डिविजिबल होता है, क्लियर। यानी 5 इज अ फैक्टर ऑफ 125 में है तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 125, ठीक। तो यहां से ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या है, शो दैट रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, ठीक। रूट टू को क्या प्रूव करना है बेटा, इरेशनल नंबर। तो इसमें हमारे पास कुछ रटे रटाए स्टेप्स होते हैं बेटा, याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहला काम क्या करना है, एज्यूम कर लेना है कि रूट टू रेशनल है। लेट रूट टू इज अ रेशनल नंबर, सबसे पहला काम हमको यही करना है, रेशनल नंबर है ना, ये मान लेना है। अच्छा, दो ही तरीके की नंबर हो सकती है, या तो रेशनल हो सकती है या तो इनरेशनल हो सकती है, क्लियर। तो अगर इस मान लिए तो रूट टू को हम क्या लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू हैव नो एनी मोर कॉमन फैक्टर अदर देन वन, ठीक। एक के सिवाय उसमें कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, ये हमारी रेशनल नंबर की कंडीशन होती है, फर्स्ट लेक्चर में हमने इसको पढ़ाया है, ठीक। सेकंड स्टेप क्या करते हैं, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर करने पर रूट जो होता है हमारा हट जाता है और इधर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों का करना होता है। फिर यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला बाई वन कर लेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये यहाँ जाएगा।
तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, मैं लिखूँ अगर पी स्क्वायर बराबर टू क्यू स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। जैसे हमने 12 को बोला था ना 2 उसका फैक्टर था, तो ये 2 मल्टीपल फॉर्म में है, तो यहाँ से क्या बोल सकते हो 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी, क्लियर। 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, पी स्क्वायर का है तो पी का भी है, ठीक। अब नाउ पुट पी इज इक्वल टू 2m, m बिलोंग्स टू एनी पॉजिटिव इंटीजर, m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। यहाँ 2 हमने कहाँ से लिया, यहाँ से बेटा, जो यहाँ रहे वही ले लेना है और यहाँ पुट अप कर देना है। तो 2m का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 2q स्क्वायर, ये यहाँ जाएगा तो 4 कर देगा, इसे m स्क्वायर रहेगा और ये 2q स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, q स्क्वायर इक्वल टू 2 इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, कट जाएगा 2m स्क्वायर। यहाँ से बोल सकते हैं q स्क्वायर है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, अगर q स्क्वायर का है तो q का भी होगा, है ना। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ q, क्लियर। अब ध्यान से देखो, 2 यहां से p का भी फैक्टर हमने प्रूव कर लिया, 2 और q का भी फैक्टर प्रूव कर लिया, जबकि हम अगर रेशनल माने थे तो P और Q में एक के सिवाय नहीं होने चाहिए, और यहाँ 2 फैक्टर है, इसलिए हमने जो माना था, जो एजुम्पन्स हमने किया था, वो एजुम्पन्स गलत हैं, ओके। और हमने जो माना था वो गलत है, यानी ये रेशनल नंबर नहीं है, क्या है, इन रेशनल नंबर। तो क्या लिखना है यहाँ पे, 2 इज कॉमन फैक्टर, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ पी एंड क्यू, सो एजुम्पन इज रॉन्ग। तो हमारा एजुम्पन क्या है बेटा, रॉन्ग। हेंस रूट टू इज अ इन रेशनल नंबर। तो रूट टू क्या है हमारी, यहाँ पे इनरेशनल नंबर है, क्लियर। इसी तरीके से यही फिक्स प्रोसीजर होता है, इसी तरीके से हम इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। सिमिलरली आप लोग इसको इसी तरीके से लिख लेना। एक क्वेश्चन और इसी पे डिस्कस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, रूट थ्री। कौन सा क्वेश्चन, शो दैट रूट थ्री इज अ इनरेशनल नंबर, सो दैट रूट थ्री इज अ इनरेशनल नंबर, है ना। हम क्या प्रूव करना है, रूट थ्री इज अ इनरेशनल नंबर से, ओके। तो चलिए यहाँ ध्यान से देखते हैं, सिंपल सा वही प्रॉपर स्टेप्स, लेट रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, क्लियर। अगर ये रेशनल नंबर आपने माना तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में ये लिखी जा सकती है, है ना। पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है। अगर हम यहाँ से देखें, और ये कंडीशन होती है वेयर पी एंड क्यू हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन, एक के सिवाय कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, है ना, ओके। तो रूट थ्री इक्वल टू पी बाई क्यू, अब फिर से वही क्या काम करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम फिर से क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहाँ से थ्री हो जाएगा ये पी स्क्वायर बाई क्यू, क्यू स्क्वायर, है ना। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई थ्री क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। फिर हम यहाँ से क्या बोलेंगे, थ्री इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर एंड दिस इज आल्सो द फैक्टर ऑफ पी। यहाँ से ध्यान से देख लो, क्योंकि मल्टीपल है ना, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, थ्री इज अ फैक्टर ऑफ पी, है ना। नाउ पुट P इज इक्वल टू 3m इन इक्वेशन
फर्स्ट। अब पहले इक्वेशन में क्या कर दो बेटा, इतना रख दो, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 3m का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 3q का स्क्वायर, या 9m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इधर डिवाइड हो जाएगा तो 3m स्क्वायर आ जाएगा, है ना, 3m स्क्वायर आ जाएगा। सेम अब यहाँ भी क्या है, 3 मल्टीपल फॉर्म में है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, 3 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। ठीक, क्यू स्क्वायर का है तो क्यू का जरूर होगा, श्योर होगा, 100% होगा। क्लियर? अब यहाँ से ध्यान से देखें, हमने क्या होना चाहिए कि P और Q में एक के सिवाय कोई और फैक्टर ना हो, कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ 3 P का भी फैक्टर है और Q का भी फैक्टर है और 3 P का भी फैक्टर, इसलिए हम जो माने थे, हमारा कंट्राडिक्शन जो था वो गलत था, इसलिए रूट 3 जो है इरेशनल नंबर है। 3 इज अ अदर कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू बोथ, सो एजुम्सन इज रॉन्ग। हमारा जो एजुम्सन्स है वो क्या है, रॉन्ग, हेंस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। क्लियर? इसलिए हमारा रूट 3 क्या है बेटा, इरेशनल नंबर है। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, है ना, सो दैट फॉलोइंग आर इन रेशनल नंबर्स। ओके, तो इसमें से पहला देख लेते हैं हम लोग, ए 5√3, दूसरा देख लेते हैं √3 + √2, तीसरा देख लेते हैं कुछ भी ले ले 5 − √2, एक और ले लेते हैं 5 + √2, है ना, और डिस्कस कर लेंगे। द फर्स्ट देखें, करना सब में वही है, हमको सबसे पहला स्टेप यही मानना है कि उसको क्या एज्यूम करना है, एक रेशनल नंबर एज्यूम कर लेना है। तो लेट 5√3 इज अ रेशनल नंबर, है ना बेटा, क्या है ये, रेशनल नंबर है। तो 5√3 मस्ट बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, आर मान लें, पी वाई क्यू भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आर मान लो तो भी सही, आर मान लेते हैं, माना कि ये रेशनल नंबर है आर। क्लियर? अच्छा, इस टाइप में आर लेके चलो तो आसानी से आ जाता है, पी वाई क्यू में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब यहाँ ध्यान से हम देखते हैं, तो √3 इज इक्वल टू आर अपान 5, ये रेशनल है, 5 भी रेशनल है, तो रेशनल अपान रेशनल रेशनल, तो हम कह सकते हैं r/5 इज अ रेशनल नंबर, r/5 इज अ रेशनल नंबर, वेयर √3 इज अ इरेशनल, हेंस √3 इज अ इरेशनल एंड रेशनल नेवर बी इक्वल टू इरेशनल, सो एजुम्सन इज रॉन्ग, हेंस 5√3 इज अ रेशनल, सॉरी इरेशनल नंबर। क्लियर बेटा? ये लाइन बस इसका दिया जाता है, आंसर लिखा जाता है √5 √3 इज अ इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, यही, इसमें भी क्या करना पड़ता है, बस वही सारे के सारे स्टेप्स वही हैं। क्या करो, लेट, सेकंड क्वेश्चन है ये वाला, लेट √3 + √2 इज अ रेशनल, है ना, तो रूट रेशनल आपने माना, तो इसको किसके बराबर दिखा दो, आर के। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, अच्छा जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम करेंगे, जहाँ नहीं पड़ेगी कोई ज़रूरत नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में हमको ज़रूरत नहीं पड़ी थी, है ना, ऑटोमेटिक आ गया था, ऐसा क्वेश्चन ही सेटअप था। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि हमको कब स्क्वायरिंग करनी है, कब स्क्वायरिंग नहीं करनी है। क्लियर? तो यहाँ से ध्यान से देखो, स्क्वायरिंग कर दो तो आई होप आपको याद है फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी 3 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 प्लस 2ab यानी रूट थ्री, रूट रूट वाला अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट 6 आ जाएगा 2ab, है ना। जिनको अगर इसमें प्रॉब्लम है तो बताना, इसको मैं प्रॉपर वीडियो बना के फिर अपलोड कर दूंगा। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे क्या है, 5 प्लस 2 रूट 6 मस्ट बी इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से बेटा 2 रूट 6 इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 5, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, रूट 6 इक्वल टू कितना बेटा, आर स्क्वायर माइनस 5 बाई 2। फिर से वही कहानी जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, 5 रूट 3 में। रूट 6 बेटा, रूट के अंदर जो भी चीज़ है वो इरेशनल नंबर होती है, ये हम फर्स्ट सेकंड लेक्चर में बता चुके हैं, आप लोग देख लेना क्यों होती है, है ना। तो रूट के अंदर कोई भी चीज़ है इरेशनल नंबर, और ये रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल ऑलवेज रेशनल, और रेशनल यानी आर स्क्वायर माइनस 5 रेशनल है, और रेशनल अपॉन रेशनल ऑलवेज रेशनल, और ये इनरेशनल, ये रेशनल। यहाँ से यही लिखना है, आर स्क्वायर माइनस 5 बाई 2 इज अ इनरेशनल नंबर एंड रूट 6 इज अ रेशनल, सॉरी, आर स्क्वायर माइनस 5 अपान 2 इज अ रेशनल नंबर एंड रूट 6 इज अ इनरेशनल नंबर, हैंस एंड रेशनल नेवर बी इक्वल टू इनरेशनल, हैंस एजुम्सन इज रॉन्ग, रूट 3 प्लस रूट 2 इज अ इनरेशनल नंबर्स। ओके, जो पिछले वाला स्टेप्स लिखे थे बस वही कर देना है और कुछ नहीं, ठीक। हाँ, तो यहाँ से ये आ गया बेटा। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 माइनस रूट 3। अच्छा, इसको तो बहुत अच्छे कई तरीके से किया जा सकता है, 5 माइनस रूट 2, इसको भी क्या मानो, 5 माइनस रूट 2 इज अ रेशनल इक्वल टू आर लिख लो, है ना। तो क्या करें, यहाँ से कुछ नहीं, रूट 2 इक्वल टू आर माइनस 5, तो यहाँ से रूट 2 इक्वल टू 5 माइनस आर हो जाएगा बेटा, है ना। तो यहाँ से ध्यान से देखो, बस वही कहानी, ये हमारा रेशनल और ये हमारा इनरेशनल, ये क्या है, इनरेशनल, और ये हमारा क्या है, रेशनल, है ना। तो वही काम, रेशनल नेवर बी इक्वल टू इनरेशनल, क्योंकि 5 रेशनल है, आर रेशनल हमने माना ही है, रेशनल माइनस रेशनल हमेशा रेशनल आती है, तो यहाँ से कह सकते हैं ना, रेशनल नेवर बी इक्वल टू इनरेशनल, हैंस एजुम्सन इज रॉन्ग, सो